हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए हमारी सीरीज़ रहेगी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे शंकर आईएस बुक का लेटेस्ट एडिशन। इसका जो फोर्थ एडिशन था वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। लेकिन उसकी वॉइस क्वालिटी के लेके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो काफ़ी कम है वॉइस क्वालिटी, मतलब वो काफ़ी ओल्ड सिस्टम से रिकॉर्ड किए गए थे तो उसमें वॉइस की क्वालिटी में काफ़ी असर है। और अभी लेटेस्ट उसका वर्जन भी आ गया है, फिफ्थ एडिशन शंकर आईएस बुक का। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं शंकर आईएस का फिफ्थ एडिशन, उसको काफ़ी डिटेल से इन डेप्थ कवर करेंगे हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो कि प्रीलिम और मेंस के लिए दोनों के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे जो अदर कोर्सेज चले हुए हैं, जैसे साइंस एंड टेक का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ये तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही है, एंशियंट इंडिया का, शंकर आईएस एनवायरमेंट का, सिक्योरिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं कंप्लीट कर दिए जाएंगे, इनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम अभी काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने काफ़ी कोर्सेज साथ में इकट्ठे चला दिए हैं, धीरे धीरे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन सबको। नेक्स्ट आता है इस सोर्सेज क्या क्या होंगे हमारे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी जो हमारा रिसोर्स है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो होगा शंकर आईएस की फिफ्थ एडिशन की बुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोर्स होगा NIOS के एनवायरमेंट साइंस के नोट्स, जो कि काफ़ी बल्की नोट्स हैं, 600 से 700 पेज के नोट्स हैं, लेकिन हम जो रिलेवेंट पोर्शन होगा UPSC के लिए उन सबको एक्सट्रैक्ट करके शंकर आईएस को साथ में मिला के ही उनको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है NCERT क्लास प्लस टू की, जिसके चार चैप्टर लास्ट के, ये हमारे प्राइमरी रिसोर्स होंगे, ठीक है। इनको हम कवर करेंगे अच्छे से ताकि हमारे क्वेश्चन हिट हो सकें प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सोर्स होंगे, जिनमें से कुछ टॉपिक जो इनके अंदर टिपिकल बताए गए हैं या अच्छे से समझाए नहीं गए हैं, उनको कवर करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होंगे इकोलॉजी बाय PD शर्मा, इकोनॉमी ऑफ नेचर फिफ्थ एडिशन एंड UNEP नॉलेज डिपॉजिटरी, ठीक है। तो यहाँ से हम कवर करने वाले और काफ़ी होलिस्टिक वे में ये एनवायरमेंट का कोर्स हमारा चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट क्या होता है और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है UPSC के लिए। तो सबसे पहले जो बात आती है, एनवायरमेंट अगर किसी टर्म का हम नाम ले रहे हैं तो उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये ओरिजिन हुई थी। सबसे पहले समझते एनवायरमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ एनवायरमेंट का, ये जो टर्म आई ये कहाँ से आई, क्योंकि अर्थ पहले से ही ऐसी नहीं थी, इसका भी कोई टाइमलाइन है जिसके बाद अर्थ क्रिएट हुई है, ठीक है। सन के क्रिएशन की टाइमलाइन है, हमारी यूनिवर्स की एक टाइमलाइन है जिसके द्वारा सब कुछ क्रिएट हुआ है, तो एनवायरमेंट भी उसी टाइमलाइन के अंदर, रिसेंट के अंदर हमारे पास पिक्चर के अंदर आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का क्या मतलब है, एनवायरमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो सराउंड कर रही है किसी इंडिविजुअल को, अगर आपको कोई भी चीज़ सराउंड कर रही है वो सब एनवायरमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट के अंदर अगर इसकी अच्छी सी डेफिनेशन देखेंगे तो एनवायरमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग के अंदर ऑपरेट करता है, अपने पूरे फंक्शन करता है, खाना खाता है, सोता है, उस सब को बोलते हैं एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम एयर को ले सकते हैं, वाटर को, लैंड को, नेचुरल रिसोर्सेज को, फ्लोरा को, फौना को, ह्यूमन बीइंग और उनकी इंट्रैक्शन क्या क्या होती है एक दूसरे के साथ उनको। यहाँ पे फ्लोरा का मतलब हमारे प्लांट से और फौना का मतलब हमारा एनिमल से, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट से ले रहे हैं और फौना एनिमल से, तो जो कुछ भी हमें सराउंड कर रहा है उस सब को एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि अर्थ पहले से ही ऐसी थी कि जैसे बिग बैंग हुआ उसके बाद अर्थ ऐसी ही बन गई जैसी आज है, इसके कंटिनेंट वहीं पे आ गए, एनवायरनमेंट इसका सेम था जैसा आज है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा पहले एनवायरनमेंट कैसे पिक्चर में आया, फिर हमें एनवायरनमेंट पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। एक तो UPSC के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन UPSC क्वेश्चन क्यों पूछती है, UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट एक तो बेसिकली साइंटिफिक चीज़ है जो कि हमारे हमें सराउंड कर रही है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपको अगर चीज़ों के बारे में समझना है अच्छे से, आपने पर्सपेक्टिव में लेके आना है डिफरेंट, अगर गवर्नमेंट में अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हो आपको पॉलिसी फॉर्मेशन करनी है तो पॉलिसी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। सेकेंड चीज़ आती है एज ए इंडिविजुअल एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उन सबको कार्य करना और उनके लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के तौर के ऊपर एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझेंगे एनवायरनमेंट बना कैसे, अब ये उसके बाद ये एनवायरनमेंट बन जाएगा, उसके बाद ह्यूमन की उत्पत्ति होती है, एनवायरनमेंट पहले बना ह्यूमन बाद के अंदर आया, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन था पहले जब ह्यूमन का ओरिजन हुआ था, उसके बाद आज हमने क्या रिलेशन कर दिया हुआ है। पहले हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, हम दोनों का एक सस्टेनेबल रिलेशन था, ह्यूमन की पॉपुलेशन कम थी, एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाता था, ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेता था और एनवायरनमेंट भी ह्यूमन के साथ कोऑपरेट करके
काफ़ी खुश था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ह्यूमन की जो नीड्स थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, ग्रीड ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, कहाँ से इसका ओरिजन होता है। तो लाइफ की उत्पत्ति के लिए जो सबसे अच्छी थ्योरी मानी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। एक हमारे पास छोटा सा बिंदु था जिसके अंदर ब्लास्ट होता है और डिफरेंट हमारे प्लैनेट, स्टार सिस्टम सब कुछ क्रिएट होता है। उसी के अंदर हमारा स्टार क्रिएट होता है जिसको सन कहते हैं, और सन के आसपास की अराउंड जो मटेरियल था वही बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होकर प्लैनेट की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास प्लैनेट बन जाते हैं, बीच में हमारा सन है और प्लैनेट इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अर्थ है, अर्थ के पास में अर्ली एटमोसफियर था, लेकिन जो मतलब अर्थ को सराउंड कर रहा था अर्ली, वो इनहॉस्पिटेबल था, उसके अंदर रहना संभव नहीं था। क्यों इनहॉस्पिटेबल था? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस थी जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये गैसेस मेनली थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म का मतलब O2 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन वाटर प्रेजेंट था वो वेपर की फॉर्म में, तो H2O ऑक्सीजन थी लेकिन फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी। वाटर वेपर, अर्थ क्योंकि एक आग का गोला था पहले, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी थी, वॉल्केनो पूरी अर्थ के ऊपर फैले हुए थे तो काफ़ी हीटेड था, तो वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में तो प्रेजेंट हो नहीं सकते थे इतने ज़्यादा गर्म एरिया के अंदर, तो वो एटमोसफियर में ऊपर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट थे, ठीक है, H2O वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब लाइफ एग्जिस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता अगर आपके पास में ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से इतना हॉट एनवायरनमेंट है तो कहाँ लाइफ आपकी एग्जिस्ट करने वाली है। तो धीरे धीरे अर्थ कूल होना शुरू हो जाती है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लावा अंदर की तरफ जाना शुरू होता है, हैवी मेटल अंदर की तरफ सिंक कर जाते हैं और जो हमारे कम हैवी मेटल होते हैं वो क्रस्ट का निर्माण करते हैं उसकी। उसके बाद धीरे धीरे लाखों सालों के बाद जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है और जो वाटर वेपर ज़्यादा हीट की वजह से ऊपर ही रह जा रहे थे वो अर्थ के ऊपर गिरना शुरू होते हैं। अब रेन होती है, लाखों सालों तक रेन कंटिन्यू रहती है जिसकी वजह से अर्थ कूल हो जाती है, ठीक है, रेन होती थी, वाटर फिर से ऊपर जाता था, फिर से रेन होती थी, लाखों सालों तक ये चलता है, फिर उसके बाद अर्थ कूल हो जाती है, फिर वाटर अर्थ के ऊपर फॉल हो जाता है, अर्थ के ऊपर गिर जाता है और वाटर बॉडी का निर्माण करता है। तो जो अर्लियर लाइफ है उसकी उत्पत्ति को माना जाता है, पानी के अंदर उसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और बैक्टीरिया हमारे जो सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर एगो। तो अर्थ का ओरिजन 4.5 और 6, ठीक है, इतने बिलियन साल पहले अर्थ का निर्माण होता है। 3.5 बिलियन ईयर एगो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया हमारे क्रिएट होते हैं, फिर उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर ये पहले एनारोबिक थे, मतलब ये ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर अपनी एक्टिविटी करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा कि एक ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी। फिर आता है एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो कि सीख लेता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि आपने लाइट का यूज़ करके CO2 को O2 और एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी मेनली ग्लूकोज, तो आप ऑक्सीजन बनाओगे। तो इस बैक्टीरिया ने सीख लिया फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। अब जब इसने सीख ही लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म के अंदर आ गई, तो मतलब लाइफ का जीवनदाता आप इस बैक्टीरिया को मान सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर थे, ठीक है, वहाँ से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म बनते हैं और ह्यूमन का भी निर्माण धीरे धीरे इसी प्रोसेस के अंदर ह्यूमन का निर्माण होता है। तो ये था हमारा प्रोसेस जिसके द्वारा हम मानते हैं कि एनवायरनमेंट का हमारा निर्माण होता है। अर्लियर एनवायरनमेंट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके काफ़ी हॉट से आज जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। तो अब देखते हैं, हम 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड थाउजेंड ईयर। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये आती है हमारी जियोग्राफी के अंदर, ठीक है, जियोग्राफी के अंदर NCERT अगर आपने पढ़ी हो तो ये स्टेटमेंट आप करेक्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर अगो, मतलब 4 बिलियन साल पहले, तो उस टाइम हमारे पास देर वाज 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड जरा भी नहीं थी, तो ऐसा कह रहे हैं ये। लेकिन जैसा हमने पढ़ा, फ्री ऑक्सीजन तो जरा भी नहीं थी जब अर्थ की क्रिएशन हुई। सेकंड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा थी कि अर्थ जो था इनहॉस्पिटेबल थी, यहाँ रहना असंभव था। तो सेकंड हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को रिमूव कर सकते थे। फिर हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट, ये काफ़ी ट्रिकी आ जाती है,
इसमें क्योंकि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते थे, तो थर्ड हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है उसके अंदर बोला है व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए तो उन्होंने अर्थ के एटमोस्फियर को मॉडिफाई किया। अब इसको एक बात मानो तो आप सच भी मान सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजन हुआ साइनोबैक्टीरिया बने और उन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया। लेकिन जब आप बात करोगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए तो इन्होंने अर्ली एटमोस्फियर को अर्थ की मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई किया। लेकिन जो हमारा बेसिकली ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए था, एटमोस्फियर चाहिए था, उनका कॉज तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से पहले भी हमारा एटमोस्फियर मॉडिफाई हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे हम अर्ली एटमोस्फियर तो इनहॉस्पिटेबल था, तो अर्ली एटमोस्फियर को ऑर्गेनिज्म पैदा होकर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? अर्ली एटमोस्फियर पहले मॉडिफाई हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म बने, फिर उन्होंने उसको और मॉडिफाई किया। तो अर्ली एटमोस्फियर को अगर मॉडिफाई करने की बात होगी तो आप उसमें मेनली फोर्सेस मान सकते हो कि एक तो हमारे मून की क्रिएशन हुई। मून ने क्या किया, अर्थ जो थी काफ़ी फास्ट स्पिन कर रही थी, उसकी वजह से एटमोस्फियर को कैरी कर पाना काफ़ी मुश्किल था इसके लिए। और उसी वजह से मून जब हमारा पिक्चर में आता है, मून की जब क्रिएशन होती है, तो मून जो अर्थ का स्पिन है जो कि 8 आवर में स्पिन कर जा रहा था, उसको लेके जाता है ये 24 आवर जो हमारा करंटली है, ठीक है, जो हमारा दिन होता है 24 आवर तक उसको लेके जाता है, ताकि काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है ये। दूसरी बात, ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी थी उसी की वजह से जो हैवी मेटल हैं वो सिंक करते हैं अंदर की तरफ, जो लावा है सिंक करता है और अर्थ कूल होती है, तो उनकी वजह से अर्थ का अर्ली एटमोसफियर जो है मॉडिफाई होता है। लेकिन बात करेंगे ऑर्गेनिज्म ने भी मॉडिफाई किया, लेकिन जो हमारा अर्ली एटमोसफियर था उसका मॉडिफिकेशन हुआ था, तभी तो ऑर्गेनिज्म की क्रिएशन हुई थी। या इसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यूपीएससी की से पता लगेगा उन्होंने इस बारे में क्या सोचा हुआ है। तो बेसिकली ए हम इसका आंसर मानते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपने मतलब किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ सस्टेन करनी है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे? वाटर होना चाहिए, एटमॉस्फियर होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस इतने तक होना चाहिए, ज़्यादा कम हो जाएगा फिर भी वो कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी वो अच्छा नहीं रहेगा, और बफरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए अर्थ की या किसी भी प्लैनेट की। बफरिंग का मतलब वो बैलेंस करना सीख जाए, ना एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर ना लेके जाए। जैसे अर्थ के ऊपर सॉयल है, सॉयल एक बफरिंग एजेंट के ऊपर काम करती है, ना ज़्यादा एसिडिक होने देती है एनवायरमेंट को, ना बेसिक। वाटर भी एज अ बफर कैरी करता है, आप पॉल्यूशन इसके अंदर डालते हो उसको बफर करके, एसिडिटी को बफर करके, सब चीज़ों को बफर करके एक न्यूट्रल आपको मीडियम प्रोवाइड करवाता है। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, सेकंड ऑक्सीजन 20.95%, फिर वाटर वेपर आते हैं 0-4% हो सकते हैं, फिर ऑर्गन आती है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक आपको याद होने चाहिए ये। अगर आप वाटर को निकाल दोगे, सिर्फ गैसेस की बात करोगे, तो सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे आती है, ये कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती होंगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, MCQ सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट के बारे में, जो भी कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो किसी अपने सराउंडिंग के अंदर एक्ट कर रहा है, जो जो चीज़ें उसको सराउंड कर रही हैं वो सब उसके एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी हमने, एनवायरनमेंट का ओरिजन देखा, एनवायरनमेंट का ओरिजन किस तरीके से हुआ। अब हम देखेंगे ह्यूमन का, अर्ली जो ह्यूमन थे उनका एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन था, वो कैसे रहते थे। तो प्रिमिटिव जो ह्यूमन थे वो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, नियर वाटर बॉडीज़ के पास में, फॉरेस्ट के अंदर उनको खाने के लिए वहाँ पे सामान मिल जाता था, वाटर बॉडी के पास में पीने के लिए पानी मिल जाता था। वो हंटिंग करते थे और गैदर करते थे कंदमूल को, ठीक है, मतलब वो एनवायरनमेंट से लेते थे सस्टेनेबल तौर के ऊपर, जो एनवायरनमेंट के हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वो फ्री में अवेलेबल करते थे, उसकी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती थी। लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर एंड देयर वर अबंडेंट फॉरेस्ट कवर ऑन द प्लैनेट। तो ये कह रहे हैं कि वो हार्मनी के साथ रहते थे और फॉरेस्ट का जो कवर है वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, तो मतलब कोई नुकसान भी नहीं था फॉरेस्ट को कि ह्यूमन की वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट कट रहे थे। वाइल्ड लाइफ उस टाइम ह्यूमन को कई बार हार्म भी पहुंचा देती थी, तो मतलब ह्यूमन एक तरीके से डोमिनेंट स्पीसीज नहीं था प्लैनेट के ऊपर। तो हमारे पास फॉरेस्ट कवर प्लेंटी था, फिर हमारे पास फायर की डिस्कवरी होती है और इसने ह्यूमन को एज दे दिया, मतलब एक कल्चरल रिवोल्यूशन आ जाता है फायर की वजह से। अब ह्यूमन जो कि कभी एनिमल का शिकार बन जाता था वो अब उनसे सुपीरियर बनने लगा, क्योंकि उसने इन्वेंट की, एक नई चीज़ खोजी, जो कि एक तो फायर से वो फॉरेस्ट को क्लियर करके अपने लिए लैंड क्रिएट कर सकता था, दूसरा वो
अपने जो प्रोटेक्शन कर सकता था एनिमल से, फिर वो तीसरा फूड की कुकिंग कर सकता था जिसके कारण जो इन्फेक्शन होते हैं फूड के अंदर, क्योंकि आप किसी भी अगर जानवर को मार के उसको खाओगे उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस जो भी चीज़ें होंगी वो इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो अगर आप बात करोगे अर्लियर टाइम में जो एवरेज एज होती थी वो 10 से 20 साल या उससे भी कम सालों के अंदर पर्सन मर जाता था, क्योंकि उसी के लिए फिर जो हमारे उस टाइम की फीमेल्स होती थी उनको मेनली इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उनका काम है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों और उनमें से कोई ना कोई सर्वाइव कर जाए, ठीक है। लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है, तो फूड की कुकिंग की वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली। फिर एक और रिवोल्यूशन आता है जिसके अंदर वो एग्रीकल्चर करना सीख जाते हैं। वैसे तो वो हंटिंग करते थे, गैदर करते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब वो सीख जाते हैं तो एक जगह वो सेटल हो जाते हैं और उनकी कलोनी बनने लगती है। अब एग्रीकल्चर जब वो एक जगह बैठ जाते हैं, उनके पास फायर भी है कुक करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन इन्फेक्शन वगैरह कम हो जाते हैं उनको। जब इन्फेक्शन कम हो जाते हैं पर्सन को तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू करती है। पॉपुलेशन जब एक्सपेंड होती है तो फॉरेस्ट की लैंड को और ज़्यादा क्लियर किया जाता है ताकि और से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जा सके। फिर जो हमारे टूल्स थे, पहले स्टोन के टूल यूज़ किए जाते थे, फिर मेटल के टूल यूज़ किए जाने लगे, तो ह्यूमन ने मिनरल की माइनिंग भी शुरू कर दी। अब देखो, पहले ह्यूमन हार्मनी में रह रहा था नेचर की, फिर उसने एग्रीकल्चर फायर जैसी चीज़ें खोजी, फिर वो लैंड के लिए फॉरेस्ट क्लियर करने लगा, उसने मिनरल की माइनिंग शुरू की, अपने लिए नए नए मेटल बनाने लगा। अब जो था एग्रीकल्चर, ह्यूमन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ तो असर होगा। उसका क्या असर हुआ, जब एग्रीकल्चर बिगिन होता है 12,000 साल पहले, हम नियोलिथिक की बात करते हैं, तो उस टाइम 5 मिलियन पीपल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 50 लाख पीपल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज हमारे पास लगभग 735 करोड़ की जनसंख्या है और अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी भी होती है एक, ठीक है। तो वो भी उस हिसाब से हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन आप उनको फीड भी करना पड़ेगा, जॉब दिलवानी पड़ेगी ताकि एनर्जी ना फैल जाए। उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट नंबर 1, क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन टू ग्रो मोर फूड। लैंड को क्लियर किया गया, फॉरेस्ट की वैल्यू कम हो गई, फॉरेस्ट का जो एरिया था वो कम होता गया। नेक्स्ट आया वाटर की स्कार्सिटी हुई, एग्रीकल्चर के लिए वाटर को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, वाटर का हमने पॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। आज अगर गंगा की बात करेंगे, इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर जो हमारी हैं उनका कारण भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसकी वजह से हम उनको, मतलब बेसिकली अगर आप इंडिया की प्रॉब्लम भी देख लोगे कोई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉपुलेशन ग्रोथ को आप उससे जोड़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अगर क्राइम की बात करेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन की बात करेंगे आप, तो किसी भी चीज़ को अगर देखोगे, नेचुरल डिज़ास्टर, तो पॉपुलेशन की जब ग्रोथ होती है तो वो हमारे लिए नेगेटिव तरीके से असर करती है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट था नीड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन को सेटलमेंट रहने के लिए भी जगह चाहिए थी, तो उसने और से ज़्यादा लैंड को कब्जा करना शुरू किया। अगर रिसेंट के अंदर केरला फ्लड की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट के अंदर डेवलपमेंट जो की गई, रियल एस्टेट सेक्टर, जो हमारा रिवर बेड है, रिवर के आसपास का एरिया, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ह्यूमन की डिमांड ज़्यादा है, ह्यूमन की सेटलमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए एनवायरनमेंट को बलि चढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगेगा, आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे रोड बनाने के लिए, और दूसरी बात आपकी गाड़ी में फ्यूल भी चाहिए, कोल पेट्रोलियम का भी यूज़ होगा जो कि एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। उसके बाद हमें कमोडिटीज़ चाहिए जैसे प्लास्टिक, मशीनरी, केमिकल, कॉस्मेटिक्स, तो उनको बनाने के लिए भी एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन की गई। नेक्स्ट स्लम की डेवलपमेंट, फिल्थी एनवायरनमेंट, अनहाइजेनिक, मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, लास्ट में पॉल्यूशन। तो ये हमारा जर्नल अकाउंट था, अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती है तो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये सबको पता होता है, काफ़ी जर्नल है, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया क्या इफेक्ट होता है। अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करेंगे तो ह्यूमन काइंड जितनी अर्थ की कैपेसिटी है एक साल के अंदर, उससे 170%, मतलब 70% ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अर्थ अगर 100% आपको पावर दे सकती है तो आप 170% इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ह्यूमन काइंड इज़ यूजिंग 170% ऑफ वर्ल्ड नेचुरल आउटपुट, दिस मीन वी आर यूजिंग इक्विवेलेंट टू द 1.7 अर्थ, मतलब हम एक अर्थ हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं ये 1.7 अर्थ का 1 ईयर के अंदर, तो इस हिसाब से हमारे पास जो अर्थ है वो काफ़ी डिज़ास्टर के अंदर आ जाएगी, एनवायरनमेंट का काफ़ी लॉस हो सकता है। और अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, वो है, माना जाता है ऐसा कि 8 से 16 बिलियन पॉपुलेशन तक हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो 7
2735 इतने तक बिलियन तक हम पहले ही जा चुके हैं। तो मतलब हमारा जो पॉपुलेशन का सेचुरेशन लेवल है वो एक तरीके से रीच करने वाला है, लेकिन इसके बाद भी अभी हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही, तो इस कारण एनवायरनमेंट को इससे काफ़ी हार्म होगा। तो यूपीएससी भी चाहती है हमारा जो पर्सन है उसको नॉलेज होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन में वो हेल्प करेगी उसको, और प्रीलिम और मेंस के अंदर तो क्वेश्चन आपको इससे आएंगे ही आएंगे। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू देखा। आज हमने जो चीज़ें देखी, एक देखा एनवायरनमेंट क्या होता है, दूसरा हमने देखा ओरिजिन कैसे हुआ इसका, फिर हमने देखा कि अर्ली जो ह्यूमन बीइंग था उसका क्या रिलेशन था एनवायरनमेंट से, और उसने कैसे पॉपुलेशन अपनी ग्रो करवाई और फिर उसने एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे डिटेल से, एनवायरनमेंट के बारे में और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।